बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर सीरीज़ का हम लेक्चर नंबर 30 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 9 है और यूनिट 2 है। ये यूनिट 2 का सेकंड लेक्चर एक्चुअली, और हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 पे। 2.1 के हम अपने पहले दो क्वेश्चन बड़े डिटेल से कर लिए हैं, उसका ईच एंड एवरी पार्ट हम कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3 और 4 के थर्ड पार्ट हैं, तो वो ये दोनों क्वेश्चन हम इस लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपने इस के को फाइंड आउट करना है। ओके, द एक्सप्रेशन दिस वन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। याद रखें, ये थोड़ी सी डिफरेंट सी बात है। आपसे कह रहा है कि के फाइंड आउट करें, अगर ये वाली एक्सप्रेशन क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर मीन होल स्क्वायर, दरमियान में चाहे प्लस हो या माइनस हो। और याद रखें, अगर कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा ज़ीरो होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये लिखा है, इधर देखें ज़रा, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। मैंने लिखा 2x-4 होल स्क्वायर। तो मैंने आपसे कहा होल स्क्वायर मीन परफेक्ट स्क्वायर। आप इसका ज़रा स्क्वायर ओपन करें, हमारे पास आएगा a-b का होल स्क्वायर। आई होप कि आपको ओपन करना आता होगा। हमारे पास बनेगा 4x2, 2 4s are 8 और 8 2s are 16, -16x+16=0। ये मैंने इसका a-b का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब यहाँ पर a जो है, a इज 4, b इज -16 एंड c इज आल्सो 16। ठीक, अब अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूँ, आप कोई और वैल्यू ले सकते हैं, ज़रूरी ये नहीं। जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वेयर -4ac, तो कुछ इस तरह का आता है -16 होल स्क्वेयर। -4 into a, द वैल्यू ऑफ a इज 4 into 16, तो ये बनेगा 256 माइनस 4 4s are 16, ये 16 से मल्टीप्लाई होगा तो 256। तो 256 माइनस 256 आंसर कितना आया है, 0। मैंने आपसे कहा जब भी परफेक्ट स्क्वेयर होगा, होल स्क्वेयर होगा, तो उसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या होगा, 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने ये वाली बात जो है ये जहन में रखना ज़रूरी है। ओके, एक बात। दूसरी, अब वो कह रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वेयर है, मतलब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट जो भी आएगा उस डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखना है, 0 के। ओके, हमने लिखा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने एक्सप्रेशन लिखी, दैट इज के एक्स स्क्वेयर प्लस 2 into k+1 एक्स प्लस 4 is equal to 0। यहां पर एक्स स्क्वेयर के साथ जो कुछ है दैट इज ए, हियर ए इज के स्क्वेयर, एक्चुअली नॉट के ओनली, हियर ए इज के स्क्वेयर। बी जो है, जो कुछ एक्स के साथ है ये सारा कुछ बी है, 2 into k+1 एंड सी इज 4। ओके, एक्स स्क्वेयर के साथ जो कुछ था दैट वाज के स्क्वेयर, ये आपका ए है, जो एक्स के साथ कोफिशेंट है ये बी, और जो वैसे लिखा दैट इज कांस्टेंट सी। ओके, अब आपने करना क्या है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर -4ac, द वैल्यू ऑफ बी इज 2 into k+1 होल स्क्वेयर, -4, द वैल्यू ऑफ ए इज के स्क्वेयर, और द वैल्यू ऑफ सी इज 4। अब अगर हम इसका स्क्वेयर ओपन करें तो कुछ ऐसे आएगा, 2 का स्क्वेयर कितना आएगा, 4, और k प्लस 1 का जब आप स्क्वेयर ओपन करेंगे, k प्लस 1 मीन a प्लस b का होल स्क्वेयर, तुम्हारे पास आएगा k स्क्वेयर प्लस 2k+1 माइनस 4 4s are 16, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16k स्क्वेयर। 4 is 4 को इस 4 से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ओके, अब यहाँ से हमारे लिए आसान हो जाएगा, k 4 जो है वो कॉमन आ सकता है, लें 4 कॉमन यहाँ से और यहाँ से, दरमियान में माइनस है तो 4 हमने कॉमन ले लिया। हमारे पास जो बच जाएगा दैट वुड बी के स्क्वेयर प्लस 2k+1
माइनस फोर के स्क्वायर। अच्छा, बस इसको हम लिखेंगे कि ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक। अब इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व करें, के स्क्वायर माइनस फोर के स्क्वायर तो कितना बनेगा, माइनस थ्री के स्क्वायर। हम लिखेंगे फोर इंटू माइनस थ्री के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, ये आपका आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है, जो कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसके डिस्क्रिमिनेंट को आपने किसके को रखना है, जीरो के। मैंने आपको एग्जांपल जो बाकायदा से सॉल्व करके उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला है, वो परफेक्ट स्क्वायर था। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, जीरो के। ओके, अब ऐसा है कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया है इसको आपने किसके इक्वल रखना है, जीरो के। मैं वो वाला पार्ट जो है ये रब कर देता हूँ, ये वाला पार्ट। हम डिस्क्रिमिनेंट को किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के। हम लिखेंगे एज एक्सप्रेशन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट को आपने किसके को रखना है, जीरो के। डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या था, फोर इंटू माइनस थ्री के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये फोर इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड। फोर अगर इधर मल्टीप्लाई है उधर जाकर डिवाइड होगा तो वो क्या हो जाएगा, जीरो। तुम्हारे पास आएगा माइनस थ्री के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। और मैंने आपसे कहा हुआ है, पिछले चैप्टर में डिटेल से बात हुई हुई है कि अगर एक साइड पर जीरो तो आप एक साइड के सारे साइन जो हैं विदाउट एनी हेजिटेशन चेंज कर सकते हैं। तो उसको हम लिखेंगे थ्री के स्क्वायर माइनस टू के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। वन को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री, थ्री के ऐसे दो फैक्टर के माइनस टू बने, बड़े आराम से बन जाएगा थ्री के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। मैंने मिड टर्म ब्रेक की, आई होप कि आपको बाती होगी। इन दोनों में से थ्री के आपने कॉमन लिया, हमारे पास रहा के माइनस वन। इन दोनों से कुछ नहीं कॉमन आ रहा, तो जिससे कुछ ना कॉमन आए उससे वन कॉमन आता होता है, तो वन इंटू के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये के माइनस वन और के माइनस वन को आपने वन टाइम लिखना है कॉमन लेके, तो हम लिखेंगे के माइनस वन इंटू थ्री के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो दोनों को किसके को रखेंगे, जीरो के। के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो दरम्यान में लिखेंगे, और थ्री के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, के इज इक्वल टू वन दरम्यान में लिखेंगे, और के इज इक्वल टू माइनस वन बाय थ्री। के ही आपने फाइंड आउट करना था, के की दो वैल्यूज आ गई हैं, कौन कौन सी, के आपने फाइंड आउट करना था, के की वैल्यू कौन सी आई है, वन, और दूसरी कौन सी आई है, माइनस वन बाई थ्री। ये आपका क्वेश्चन थ्री था। अभी क्वेश्चन फोर के जो तीनों पार्ट हैं वो मैं आपको वीडियो पॉज करके इसी लेक्चर में कराता हूँ। अच्छा बच्चों, मैंने क्वेश्चन फोर का फर्स्ट पार्ट लिख दिया है, उसका क्वेश्चन भी लिख दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक। ओके, के आपने फाइंड आउट कर, इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। वो कह रहा है रूट्स जो हैं इक्वल हैं, रूट्स क्या हैं, इक्वल। अब आपको उनमें से कोई एक रूल देखना पड़ेगा, रूट्स इक्वल हैं, एक ही सूरत में इक्वल हैं, यहाँ भी इक्वल हैं, यहाँ अनइक्वल हैं, यहाँ अनइक्वल हैं, यहाँ भी अनइक्वल होते हैं, तो रूट्स एक ही सूरत में इक्वल होते हैं व्हेन बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो, जीरो के। रूट्स याद रखें सिर्फ एक ही सूरत में इक्वल हो सकते हैं, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, जीरो के। ओके, तो आपने यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके उसको किसके इक्वल रखना है, जीरो के। पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें, सॉल्यूशन लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर के साथ जो कुछ लिखा हुआ, दैट इज ए इज टू के माइनस वन, बी इज थ्री के, ये एक्स स्क्वायर एक्स के साथ थ्री के लिखा हुआ, सी इज थ्री। ओके, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें,
डिस्क्रिमिनेंट था बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, वैल्यू ऑफ बी इज थ्री के माइनस फोर, वैल्यू ऑफ ए इज टू के माइनस वन, वैल्यू ऑफ सी इज थ्री। ओके, अब आप अगर इसको जरा सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसे बनता है नाइन के स्क्वेयर, हाँ जी नाइन के स्क्वेयर माइनस थ्री फोर जार ट्वेल्व इंटू टू के माइनस वन। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से थ्री जो है वो कॉमन ले सकता हूँ, हमारी आगे कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी, यहाँ से और यहाँ से थ्री मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास रह जाएगा थ्री के स्क्वेयर माइनस थ्री फोर जार ट्वेल्व इंटू टू के माइनस वन, मैंने यहाँ से और यहाँ से थ्री कॉमन ले लिया, ठीक, ये आपका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब क्वेश्चन ये था कि रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जीरो, हम लिखेंगे एज रूट्स आर इक्वल, ये लिखना है बाकायदा से एज रूट्स आर इक्वल, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, जीरो के। आपने इस पूरे पार्ट को किसके इक्वल रख देना है, जीरो के, रखें जरा, हमारे पास आएगा सो थ्री इंटू थ्री के स्क्वेयर माइनस फोर इंटू टू के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये थ्री इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड होगा, जीरो डिवाइडेड बाय कुछ भी हो तो वो क्या हो जाता है, जीरो, तो ये ख़त्म हो जाएगा। हम लिखेंगे थ्री के स्क्वेयर माइनस फोर टू जार एट के माइनस माइनस प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। अब देखें जिस मिड टर्म ब्रेक होती है इसकी, फोर थ्री जार ट्वेल्व, ट्वेल्व के ऐसे दो फैक्टर के माइनस का एट बने, बड़े आराम से बन सकते हैं, माइनस सिक्स और माइनस टू, तो हम लिखेंगे थ्री के स्क्वेयर माइनस सिक्स के माइनस टू के प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। आपने किया क्या, यहाँ से थ्री के कॉमन लिया, हमारे पास रहा के माइनस टू, माइनस टू कॉमन आया तो k माइनस टू, बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर वाला साइन ब्रैकेट क्लोज करते हुए भी और ओपन करते हुए भी चेंज होता है। अब k माइनस टू और k माइनस टू, इसको आपने वन टाइम लिखा, थ्री के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, दोनों को आपने किसके इक्वल रखना है, जीरो के, क्यों, क्योंकि दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो दोनों फैक्टर्स को किसके इक्वल रखते हैं, जीरो के। हमारे पास आएगा k माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, या फिर और 3k माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, k इज इक्वल टू टू, और k इज इक्वल टू टू बाय थ्री, ये आपके दो वैल्यूज आ गए किसकी, k की। इस क्वेश्चन में हमने k ही फाइंड आउट करना था, अभी मैं वीडियो पॉज करके तो आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कराता हूँ। अच्छा बच्चों, मैंने नेक्स्ट पार्ट लिख दिया, क्वेश्चन फोर का सेकंड पार्ट करने लगे हैं, इसके बाद थर्ड पार्ट करेंगे और इसके साथ ही आपका लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वेयर के साथ वन लिखा हुआ है, तो हेयर ए इज वन, बी जो है वो एक्स के साथ हुआ करता है, तो टू इन टू के प्लस टू, और सी आपका कॉन्स्टेंट है दैट इज थ्री के प्लस फोर, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, जाहिर है आपको पता है कॉन्स्टेंट। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, रूल वही है, उसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है कि रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, जीरो के। और आपने एंड पर जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो उसको किसके इक्वल रखेंगे, जीरो के। हम लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, द वैल्यू ऑफ बी इज 2 इन टू के प्लस टू होल स्क्वेयर माइनस फोर इन टू ए, वैल्यू ऑफ ए इज वन, वैल्यू ऑफ सी इज थ्री के प्लस फोर। ओके, टू का स्क्वेयर फोर, के प्लस टू का स्क्वेयर भी मैं ओपन कर रहा हूँ, के स्क्वेयर प्लस टू टू जार फोर के, आई होप कि आपको ए प्लस बी का स्क्वेयर ओपन करना आता होगा, प्लस फोर माइनस फोर को वन से मल्टीप्लाई किया, फोर इंटू थ्री के प्लस फोर। यहाँ से ना फोर बड़े आराम से, मैं अगर रेड से उसको वो कर दूँ
तो 4 और 4 आप कॉमन ले सकते हैं, आपका क्वेश्चन आगे जाकर कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। आपने 4 कॉमन लिया, हमारे पास क्या रह गया, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, 4 तो बाहर कॉमन आ गया था, इस माइनस की वजह से अंदर वाले साइन भी चेंज हो गए, 3k माइनस 4। मैंने किया क्या है, 4 को बाहर कॉमन ले लिया और ये माइनस अंदर गया है, तो -3k -4। ओके, अब ये -4 + 4 कैंसिल्ड, हमारे पास जो यहाँ बच जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दैट वुड बी के स्क्वायर 4k - 3k तो प्लस के। नहीं जी, ये बहुत आसान हो जाएगा, ये प्लस 4 और माइनस 4 तो वैसे ही कैंसिल हो गया था, इनको अगर आप सॉल्व करें, ये लाइक टर्म्स हैं, लाइक टर्म्स को सॉल्व करें तो 4k - 3k तो के बच जाता है। अब ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, सिंप्लीफाइड डिस्क्रिमिनेंट। अब आपने नीचे वही बात लिखनी है कि एज डिस्क्रिमिनेंट, एज रूट्स आर इक्वल, वो देखें, मैंने आपको बताया भी था इससे पिछले वाले पार्ट में, रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, 0 के। एज रूट्स आर इक्वल तो क्या होगा, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के। ये गिवन है एक्चुअली, बेशक साथ गिवन भी लिखते हैं, उसने खुद कहा है, हम नहीं कह रहे कि रूट्स इक्वल हैं, तो ऑब्वियसली अगर रूट्स इक्वल हैं तो हमने जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला है उसको किसके को रखना है, 0 के। सो 4 k² + k = 0, 4 उधर जाकर 0 पर डिवाइड हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, हमारे पास आएगा k² + k = 0, इन दोनों से आप k कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा k + 1 = 0। याद रखें दिस इज आल्सो अ फैक्टर, दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों को किसके को रखेंगे, 0 के, हमारे पास आएगा k = 0। एक आंसर आ चुका, दूसरा देखें, k + 1 = 0 और k = -1। ये हमने सेकंड पार्ट कर लिया, अब मैं आपको वीडियो पॉज करके थर्ड पार्ट कराता हूँ। बच्चों मैंने क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट भी लिख दिया है, 3k + 2x² - 5 k + 1 x + 2k + 3 = 0। ओके, मैंने a की वैल्यू लिख दी जो x स्क्वायर के साथ थी, b की वैल्यू लिख दी और c की वैल्यू भी लिख दी। अब मैं इसका क्या करूँगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा, बिल्कुल ऐसे जैसे हमने प्रीवियस दोनों पार्ट्स में किया है, लिखेंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² - 4ac। ओके, और डिस्क्रिमिनेंट में b की वैल्यू क्या थी, -5 k + 1 होल स्क्वायर, -4 d वैल्यू ऑफ a इज 3k + 2, और द वैल्यू ऑफ c इज 2k + 3। ओके, ठीक है, -5 का स्क्वायर कितना बनता है, -5 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, मैंने साथ लिखा k² + 2k + 1, a + b का होल स्क्वायर भी मैंने ओपन कर दिया, माइनस इस 4 को भी मैंने कुछ नहीं किया, मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये 4 अभी मैंने एज इट इज लिखना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 3k को 2k से करूंगा तो क्या बनेगा, 3 2s are 6k square, 3k को 3 से करूंगा तो 3 3s are 9k। ओके, 2 को 2k से करूंगा तो 2 2s are 4k, 2 को 3 से करूंगा तो 2 3s are 6। ओके, 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर लाइक टर्म्स को हम आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे, हमारे पास आएगा 25k² 25 2s are 50k, 25 1s are 25, माइनस 4 को 6 से करेंगे 24k² बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, तो -9 4s are 36k, -4 को +4 से मल्टीप्लाई किया तो -16k, और माइनस प्लस माइनस
माइनस ट्वेंटी फोर। ओके, मैंने माइनस फोर को इससे और इससे, ये सारे साइन चेंज हुए हैं, याद रखें, ठीक है। बाहर माइनस था, अंदर सारे प्लस थे, अंदर वाले सारे साइन चेंज हो गए, माइनस हो गए। अब लाइक टर्म्स देखें जी, टिक कर रहा हूँ। 25k² माइनस 24k² कितना बनेगा? k² ठीक। 50k माइनस 36k तो माइनस 14k। 25 माइनस 24 क्या बनेगा? प्लस वन। ओके अच्छा, और ये एक कहीं माइनस का साइन है, अब देखें कहाँ पर है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ना एक 25 माइनस 24 के स्क्वायर तो के स्क्वायर, 50 माइनस 36 माइनस 16, ये दोनों लाइक हैं, ये और ये लाइक हैं। ये मैं टिक जो है ये रब कर देता हूँ, ये भी रब कर देता हूँ। ये 50 है, 50 प्लस का है, माइनस 36 माइनस 16 तो माइनस 52, तो 50 माइनस 52 के तो बनेगा माइनस 2k। ये मैं मिस्टेकनली लिख गया था, माइनस 2k। ओके, अब 25 ये टिक दोनों में, तीनों रब कर दूँ। 25 से जब आप 24 माइनस करेंगे वन रह जाएगा। ये एक्चुअली k माइनस वन का होल स्क्वायर है। किसका होल स्क्वायर है? k माइनस वन का। तो आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं, k माइनस वन होल स्क्वायर। अगर आपको होल स्क्वायर नहीं पता लग रहा तो आप बड़े आराम से, मिड टर्म ब्रेक होगी, के स्क्वायर माइनस के प्लस वन, तो पेंड पर यही बनेगा, ठीक है। तो के माइनस वन होल स्क्वायर ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट है और उसने कहा है कि रूट्स इक्वल हैं, रूट्स इक्वल होंगे, तो उनके जो डिस्क्रिमिनेंट है वो किसके इक्वल रखते हैं? हम जीरो के, हम लिखेंगे एज रूट्स आर इक्वल, आर इक्वल। सो डिस्क्रिमिनेंट को हमने किसके इक्वल रखना है? जीरो के। और डिस्क्रिमिनेंट हमारा था के माइनस वन होल स्क्वायर। बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे तो जीरो का स्क्वायर रूट कितना होता है? जीरो। आप बड़े आराम से डायरेक्ट लिख सकते हैं के माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। आप इसको, चलो अगर आपने स्क्वायर रूट लेना ही है जी, बच्चे पूछते हैं सर वो स्टेप करना है, तो अगर आपने करना है तो कर लें। स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया तो के माइनस वन किसके इक्वल है? जीरो। और यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आई है? वन। आपका ये वाला जो क्वेश्चन है ये हुआ कंप्लीट। इसी के साथ लेक्चर नंबर 30 भी कंप्लीट हुआ। और बच्चों आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक का बटन भी दबाना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। हम अगला क्वेश्चन 5, 6 और 7 में कोशिश करूंगा कि आपको लेक्चर नंबर 31 में करा दूँ, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।